फ्रेंड्स, मैं बताऊं कि मैं कृषि विज्ञान केंद्र पे आ गया हूं जो अधौरा में स्थित है और हमारे ज़िले का एकमात्र कृषि अनुसंधान केंद्र। यहां पे आप आके देख सकते हैं यहां। और मैं आपको बताऊं तो यहां पे बागवानी वगैरह सब कुछ होता है और यहां पे लोगों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है कि कैसे बागवानी वगैरह होता है। तो आप यहां पे आके घूम सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे बोटैनिकल गार्डन वगैरह सब लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि मैं पहले ही आपको बता दिया कि जो हमारा ज़िला है कैमूर ज़िला का एकमात्र कृषि अनुसंधान केंद्र और बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे बनाया गया है और पूरे खूबसूरत वादियों में बनाया गया, पहाड़ों पर ये बसाया गया है और एकदम हर चीज़ यहाँ पे नेचुरल चीज़ आपको मिलेगी। और यहाँ पे प्रशिक्षण वगैरह भी दिया जाता है। आप इधर देख सकते हैं सब कुछ बागवानी वगैरह लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए कि मशरूम का भी खेती वगैरह सब कुछ दिखाया जाता है। तो हम लोग इसके अंदर आ गए हैं और यहाँ पर मशरूम से रिलेटेड जो कुछ भी होता है यहाँ पे सब कुछ सिखलाया जाता है और प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो अगर आप मेरे चैनल के माध्यम से अगर आप बात जान पाएँ तो आप यहाँ पे आके प्रशिक्षण वगैरह ले सकते हैं कि कैसे होता है। और ये देखिए सब कुछ यहाँ पे लगाया गया है ये सब। चलिए और कुछ आपको मैं दिखलाता हूँ कि और क्या क्या है यहाँ पर। और फ्रेंड्स, मैं बता दूँ कि यहाँ पर देखिए सामने आपको वनस्पति उद्यान भी लगा हुआ है और बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। यहाँ पर सब कुछ बागवानी वगैरह सब कुछ एकदम नेचुरल किया गया है। देख सकते हैं फूल वगैरह सब कुछ लगाया गया है। और ये देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लास्टिक मल्चिंग तकनीक से फसल टमाटो का यहाँ पे खेती किया गया है। और फ्रेंड्स, से मैं बता दूं कि ये मिर्ची की खेती की गई है और इधर मिर्ची है। फ्रेंड्स, से बता दूं कि ये शिमला मिर्च है। और ये फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है केचुआ खाद, यानी कि जो नेचुरल तरीके से खाद बनाया जाता है उसका भी प्रशिक्षण यहाँ पे दिया जाता है। और देख सकते हैं आप, बनाया गया है। और इधर आप देख सकते हैं कि प्राकृतिक सुकर पालन का भी यहाँ पे पोल्ट्री फार्म वगैरह सब कुछ है। यहाँ पे प्राकृतिक मुर्गी पालन है। आप देख सकते हैं मुर्गी वगैरह सब कुछ भी है। और इसके साथ ही बतख पालन का भी बनाया गया है इस साइड में। तो मुर्गी पालन और बतख पालन, सुकर पालन, लगभग सब चीज का यहाँ पे गया है। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि यहाँ पे मैं आ गया हूँ। अब यहाँ पे जो हॉस्टल वगैरह है, जो भी यहाँ पे लोग आते हैं उनके लिए आवास की भी व्यवस्था की गई है और यहाँ पे जितने भी हैं वो मुफ्त में आवास, खाने पीने और रहने की व्यवस्था की गई है और बहुत ही प्राकृतिक वातावरण में की गई है कि आप यहाँ पे आके आराम से प्रशिक्षण ले सकते हैं और यहाँ पे रह सकते हैं। तो ये किसान भवन है तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आप आके प्रशिक्षण ले सकते हैं किसी भी चीज़ का, चाहे वो बागवानी का हो या फिर पशुपालन का हो। तो फ्रेंड्स, मेरे पीछे आप बागवानी वगैरह देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर बागवानी किया गया है। और ये आप देख सकते हैं
फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि यहाँ पे आयुर्वेद से रिलेटेड भी जो वस्तुएं बनाई जाती है, जैसे कि जैम हो गया, जेली हो गया, और आयुर्वेदिक जो च्यवनप्राश है वो भी यहाँ पे खुद तरीके से, मतलब प्राकृतिक तरीके से तैयार किया जाता है, जिसमें कोई भी मिलावट वगैरह नहीं होता है। तो आप यहाँ से वो भी आप ले सकते हैं। और इधर जो है आपको आयुर्वेदिक से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं वो उपजाए जाते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये सफ़र भी हमेशा की तरह जरूर पसंद आया होगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको दबा के आप क्लिक, और उसके बगल में जो बेल आइकन आएगा उसको भी दबा दें, ताकि ऐसा सफ़र हमेशा आपको मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, एक बार आप अधौरा आइए और इस क्षेत्र को घूमिए, और ये जो कृषि अनुसंधान केंद्र है उसको घूमिए, काफ़ी इन्जॉय आएगा और काफ़ी अच्छी जगह है। आप देख सकते हैं पीछे मेरे।